लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। सफर दरअसल उर्दू शायरी में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि ये एक इस्तेआरा है। सफर शायर अपनी जात का भी करता है, अपने अंदर सफर करता है, और वो इस सफर में इसकी तलाश करता है, कभी दुनिया की, कभी अपनी, कभी इस कायनात को बनाने वाले। हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का शायर मौजूद है कि जो लगातार जस्तजु में है, जो लगातार सफर में है नए लहजे तलाशने की, नए शेर किस ढंग से कहे जाएं, क्योंकि शेर में क्या कहा जा रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है कि शेर किस तरह कहा जा रहा है। कि कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहां कांधा बदलता है। इस शेर पे खालिक है जनाब वसीम नादिर साहब, जो न सिर्फ मुझे अच्छे शायर हैं बल्कि नई नस्ल की आबियारी भी कर रहे हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि आए और अपने कलाम से नवाजे। जनाब वसीम नादिर साहब, ढाई मिनट में चराग ने कहा था कि नज़्म का उनवान ही बताया जा सकता है। हर बार फाउंडेशन को बहुत मुबारकबाद। हजरत, बाहर की दुनिया में बहुत उदासी है या संजीदगी ज़्यादा है, लेकिन इस महफिल में बैठने के बाद ये एहसास हुआ कि मुस्कुराहट अब भी कायम है आप हजरत के चेहरों पे, जो मुस्कुराहट रही पहले शायर से लेकर अब तक। और वो मुस्कुराहट इसलिए भी है कि इस मुशायरे को जिस शख्सियत ने जामा पहनाया है, अज़र भाई की जो शख्सियत है उनकी खूबसूरती के बहुत पहलू हैं, लेकिन सबसे प्यारा पहलू उनकी मुस्कुराहट है। तो वो मुस्कुराहट यहाँ से वहाँ तक कहनी हो रही है। अज़र भाई के लिए मैंने एक बार पूछा था अज़र भाई से कि इस मुस्कुराहट का राज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि इश्क किया कीजिए। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ यहाँ से अमीर भाई। शेर यह है कि हम बहुत देर में समझ पाए, हम बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी जरूरी था। एक शेर और, मतलब मुझे सिलसिले का याद आ गया। मतलब ये है कि हमें बताओ जरा ये कमाल किसका है, हमें बताओ जरा ये कमाल किसका है, तुम्हारी शर्ट के कॉलर पे बाल किसका है। वाह, आपकी नजर भी हो सकता है। मेरा एक मतला गजल का और सुन लीजिए हजरात, के जहाँ बाल के इम्कान ज्यादा हैं उन्हीं के लिए कहा गया है। जी जी वसीम भाई। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया, आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया, शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया, शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया, शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को, मेहताब आसमां से हथेली पे आ गया। क्या बात है, आसमां से हथेली पे आ गया, और मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गया। मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के। अरे भाई, क्या 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 कमाल कर रहे हैं। मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के,
ये गजल का मतला और सुन लीजिए हजार मतला आज किया के आशु भाई ने एक जीएसटी की भी बात चल रही थी तो मैं आज कर दूं कि जितने शेर मुझे याद है वो पढ़ता हूँ मुझारों में वो एक जुमला होता है जहाँ जहाँ से भी शेर याद जहाँ जहाँ से तो जो मुझे याद है वो मैं पढ़ देता हूँ। आशु भाई ने एक मतले याद दिलाया मुझे कि रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, वाह रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, पसीना पोंछते हम आस्तीन से और ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से, ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे। वो गजल दो तीन शेर मैं मतलब पढ़ता हूँ कि दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा, दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा, अच्छा है भाई वाह 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 फकत इसलिए रिश्ता है हमारा, वाह दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा और तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, अच्छा हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा, हमको जवां देख के हैरान हुई हो, तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा, और बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, वाह बैठे हैं बहुत लोग, मैं ये शेर सदरे मोहतरम फैमी साहब की हवाले से पढ़ता हूँ कि बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, उस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा, बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, उस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा, और दुनिया ने हमें भाई दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा, दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। एक मतला एक शेर और सुन लीजिए हजरत, मतला किया के उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला के धुआं तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला के धुआं तक नहीं हुआ, ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ, अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ, हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ, तस्वीर तेरी लफ्जों से बन सकती थी मगर, तस्वीर तेरी लफ्जों से बन सकती थी मगर, हमसे ही तेरा जिक्र यहां तक नहीं हुआ, हमसे ही तेरा जिक्र यहाँ तक नहीं हुआ। साहब चाय का बहुत जिक्र हुआ तो एक दो मिनट मेरी नज्म है आखिरी चाय उस जी उनकी संजीदगी के साथ, और ये चाय चुस्की नाम है क्या, चाय चस्का जिसकी चुस्की लेते हैं, हाँ चुस्की और चस्के का मेरा गहरा ताल्लुक है आपस में, और अपनी संजीदगी से नज्म सुन लीजिए साहब एक डेढ़ मिनट में। नज्म शुरू होती है कि तुम आज कितने दिनों बाद मिलने आई हो, तुम आज कितने दिनों बाद मिलने आई हो, बहुत दिनों से कोई फोन है ना मैसेज है, न जाने कौन सी दुनिया में खो गई हो तुम, कुछ एक राज की बातें तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे बाद अजब इंकिशाफ मुझ पे हुआ, सितारे पहले मुझे रास्ता बताते थे, अब ऐसे तकते हैं जैसे कि जानते ही नहीं, परिंदे शोर मचाते हुए गुजरते थे, तुम्हारे बाद गुजरते हैं कब पता ही नहीं, चराग पहले बहुत कह कहे लगाते थे, तुम्हारे बाद
बहुत बेवसी से तकते हैं, तुम्हारे गांव की सरहद पे जो दो कब्रें हैं, मैं उन पे लिखे हुए नाम पढ़ता रहता हूँ। सुना है इश्क की तकमील ऐसे होती है, सुना है दोनों ने एक साथ खुदकुशी की थी, सुना है दोनों की मैयत भी साथ उठी थी। न जाने जहन में क्या क्या ख्याल आते हैं। तुम आ गई हो चलो छोड़ो ऐसी बातों को, तुम आ गई हो चलो छोड़ो ऐसी बातों को, तुम आ गई हो चलो छोड़ो ऐसी बातों को। मुझे पता है बहुत दूर जाने वाली हो, मुझे मैं जानता हूँ कि तुम बेकरार हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम, मैं जानता हूँ तुम्हें इंतजार है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन न जाने कितने ही लेकिन मेरी हयात में है, हजारों काश मेरी जिंदगी का हासिल है। न जाने कितने ही लेकिन मेरी हयात में है, हजारों काश मेरी जिंदगी का हासिल है। अब इसके बाद बिछड़ना है उम्र भर के लिए, अब इसके बाद बहुत गम के घूंट पीने हैं। तुम्हारे साथ चलो चाय आखिरी पी लूं, तुम्हारे साथ चाय आखिरी पी लूं।